साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सीएम योगी की मौजूदगी में उनके लखनऊ आवास पर श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दिया गया। एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने 317.855 एकड़ भूमि खरीदी है। इसके लिए प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच लीज एग्रीमेंट हुआ है। भारत की एक प्रमुख प्राचीन नगरी अयोध्या, जिसे भारत का आम आस्थावान नागरिक अपनी एक पवित्र नगरी के रूप में देखता है, उसे वायु सेवा से जोड़ने के लिए भूमि लीज एग्रीमेंट पर आज यहाँ पर हस्ताक्षर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संपन्न हुआ है। विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी एक राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। प्रदेश के 9 एयरपोर्ट वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं, जहां 2017 तक हम केवल 25 गंतव्यों तक वायु सेवा दे पा रहे थे, उसमें भी निरंतरता का अभाव था। आज हम 75 से अधिक गंतव्यों तक प्रदेश से वायु सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। तो अयोध्या को और बेहतर बनाने के साथ साथ प्रदेश को और आगे बढ़ाने की बात कही है सीएम योगी ने। जितनी विमान सेवाएं दी जा रही हैं, जितने एयरपोर्ट बनाए गए हैं, उसमें और बढ़ोतरी हो, उसको सुविधाजनक बनाने की बात भी कही गई है। जिस तरह से आज ये लीज एग्रीमेंट हुआ है, इसको लेकर भी कई जानकारी दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है लीज की जमीन। आपको बता दें कि सीएम योगी की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट हुआ है और साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा कि जब रामलला का मंदिर बनेगा, बनकर तैयार होगा, तब तक एयरपोर्ट भी बनकर तैयार करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, ताकि जब रामलला के दर्शन करने के लिए बाहर से लोग आए तो उनको किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा, जिससे देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आके सुविधाजनक रूप से दर्शन कर सकेंगे। और साथ ही साथ एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा अयोध्या, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एक तस्वीर बदलना चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है अयोध्या में, उसके लिए आज एग्रीमेंट भी हो गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दे दी गई है जमीन, तो क्या कुछ तैयारियां करी जा रही हैं और कितने समय में एयरपोर्ट बनने की आशंका जताई जा रही है? अयोध्या पौराणिक स्थल है और साथ ही साथ ऐतिहासिक भी हो चुका, क्योंकि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। परसों बार एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उसके आदेश के बाद अयोध्या मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनके सरकार में फैसला आया है और साथ ही साथ एक जो जुड़ाव है आम आदमी का अयोध्या से बहुत है। तो निश्चित रूप से इस पुरानी नगरी को बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू किया जा रहा है, क्योंकि देश विदेश से लोग भी यहाँ अयोध्या के दर्शन करने आएंगे। बड़ा ही भव्य मंदिर वहाँ पर किया जा रहा है, जिसके लिए लीज एग्रीमेंट भी हो चुका है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में बहुत सक्रिय है, जैसे कि उन्होंने 100 दिन का एजेंडा भी बनाया है। और साथ ही साथ उनका कहना है कि 9 एयरपोर्ट इस समय उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, हम 5 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये लक्ष्य भी रखा है कि लगभग 19 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हम अगले 5 साल बनाने वाले हैं। तो निश्चित लक्ष्य बढ़े हैं और साथ ही साथ जिस तरह से वो लगातार दूसरे कार्यकाल में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, एजेंडा बढ़ा रहे हैं, काम करने की नीति बढ़ा रहे हैं, एक अलग रूपरेखा तैयार की, निश्चित रूप से आगामी समय में अयोध्या में भी बेहतर विकास होगा, साथ ही साथ एक पौराणिक स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा। जी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जरिए देश को और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलने वाले हैं, इससे कितना बदलाव देखने को मिलेगा, जनता को कितनी सुविधाएं मिलेंगी इससे? देखिए, बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और साथ ही साथ राजनीतिक दौर स्तर पर देखा है तो बड़ी आबादी है, और खास ही साथ कहते हैं केंद्र की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। तो इस मामले में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे
और साथ ही साथ जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों का आवागमन भी बढ़ेगा और यहाँ पर बेहतर निवेश भी होगा, साथ ही साथ जो एयरपोर्ट क्षेत्र का एरिया होता है वो भी डेवलप होता है, वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो भी अगर एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 19 एयरपोर्ट डोमेस्टिक बनाएंगे, बड़े बड़े जिलों में वहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के प्रयास, झांसी में भी एयरपोर्ट की बात चल रही है कि वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना हो रही है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को विकसित करने का प्लान दूसरे कार्यकाल में लेकर आया है और उसी के तहत यहाँ काम किया जा रहा है। जी गौरव, अगर बात करी जाए रामलला के मंदिर की तो वो भी काम तेजी से चल रहा है और उसी को देखते हुए अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी भव्य बनाने की तैयारी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, जो कि विदेशों से श्रद्धालु आएंगे, नागरिक आएंगे तो वो दर्शन करने के लिए आराम से पहुंच सके, यही एक उद्देश्य भी रखा गया, तो दूरी कितनी रहेगी दोनों के बीच? फिलहाल दूरी की बात है, अभी उसका जो दायरा है जो कई एकड़ों में उसको बनाया जाना है और साथ ही साथ ये भी देख रही है किसी कनेक्टिविटी बेहतर हो, क्योंकि एयरपोर्ट में जो भी लोग आएंगे साथ ही साथ वो रुकेंगे भी, उनके लिए होटल्स की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो ऐसी जगह पर उसकी कनेक्टिविटी रखी जाएगी, यहाँ होटल भी सुगमता से उपलब्ध होता है और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से और होटल से और राम मंदिर की रहे वो भी बेहतर, निश्चित रूप से जो दूरी है वो कम की गई है, क्योंकि अगर आप बेहतर कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे तो जो श्रद्धालु आएंगे उनको आवागमन सुविधा असुविधा होगी और इसका एक बेहतर जो प्रभाव पड़ना चाहिए राम मंदिर का, जो खुशी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं छीन होती नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो दूरी है वो 6 से 8 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर बताई गई है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है जमीन और जो लीज की कॉन्ट्रैक्ट था वो भी आज साइन कर लिया गया है। आपको बता दें कि बड़े महानगरों की तर्ज पर ही इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जाएगा और तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने पूछताछ के दौरान कई बात कबूली है। जांच एजेंसियों के दावे के मुताबिक उसका कहना है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, CAA NRC भी गलत है, बस इसी गुस्से में उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। फिलहाल मुर्तजा से लखनऊ में कई एजेंसियां पूछताछ कर रही है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्य जिस तरह से हमला हुआ उसका मुख्य आरोपी मुर्तजा, उसने कई बातें कबूली है। जांच के दौरान उसने CAA NRC का भी जिक्र किया, उसने कहा कि मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसने इस तरह से कदम उठाया, उग्र हुआ। तो वही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसके ऊपर भी जांच करने की बात कही जा रही है, कई बातें सामने आ रही है। इस मामले में हर रोज नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही है और मुख्य आरोपी मुर्तजा ने कहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, CNRC भी गलत है, बस इसी गुस्से में उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें निकल के सामने आ रही है और अब जिस तरह से उसका बयान दर्ज किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है पुलिस द्वारा, तो CNRC की बात भी उसने कही, उसने कहा कि मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हो रहा है, जिस तरह से सबूत मिले हैं, चीजें निकली हैं, तो ये बात सामने आ रही कि वो काफी कट्टरवादी था, तो इसको देखते हुए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उसके बयान के हिसाब से वो काफी कट्टरवादी था और उसको ये चीज लगता था, ये जब वो शिक्षा ग्रहण करता था मुंबई में, तब से ही उसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुसलमान अन्याय हो रहा है, किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे में वो फ्रस्ट्रेशन का पूरी तरह से शिकार हो रहा था और पूरी तरीके से वो इस चीज को लेकर चल रहा था कि कर्नाटक में CNRC को लेकर के हर तरीके से मुसलमानों पर अन्याय होता है, नेपाल में उसके साथ
वो गया जब किसी से कुछ ही पूछता था तो उसको लगता था कि नेपाल में भी मुसलमानों का, तो उसको लगता था पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, उनके पर अत्याचार हो रहा है और इसके लिए किसी ना किसी को पहल करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, क्यों ना मैं खुद करूं। और इसलिए वो खुद इस चीज को तय कर लिया था। गोरखनाथ मंदिर पे हमला करने से पहले, पुलिसकर्मियों पे हमला करने से पहले उसने एक चीज स्पष्ट कह दी थी, उन्होंने पुलिस को इसमें बयान भी दिया है कि मुझे मालूम था कि मैं मारा जाऊंगा वहां पे, ऐसी जगह मैं जा रहा हूं हमला करने की मेरी मृत्यु भी हो सकती है, तो मैं क्यों ना दो चार को मार के ही मरूं। जी हिमांशु, उसके दुबई जाने की बात भी सामने आ रही है, नेपाल भी गया था, तो क्या वो सब जगह जाके हालातों का जायजा ले रहा था कि कहां पे मुसलमानों के साथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, वो पूरी तरह से घूम घूम के जायजा ले रहा था, उसको लग रहा था पूरी दुनिया में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरी तरह से मुसलमान असहज और असुरक्षित है, ऐसे में किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी, और बदला लेना चाहता था लोगों से, और ऐसे में उसके पास एक ही रास्ता था कि वो हमला करे और नुकसान पहुंचाए, और इसके लिए उसके खाते में वो 20 लाख, हालांकि उसके परिवार ने ये पैसे जमा किए थे 20 लाख रुपया, वो पूरी तरह से 20 लाख रुपया अपने खाते में लेकर के, और इससे वो चाहता था कि इस खाते में रखे पैसे के बल पे वो बाहर चला जाए, विदेश चला जाए। जी हिमांशु, जिस तरह से आतंकवादी संगठनों से इसका जुड़ाव बताया जा रहा था, वहां संपर्क टूट गया है संवाददाता के साथ, तो गोरखनाथ मंदिर में हमला किया गया है और अपराधी से लगातार जांच करी जा रही है, बात करी जा रही है और पूछताछ के दौरान कई बातें कबूली है उसने, और जहां तक उसके अकाउंट में पैसे भी सामने निकलकर सामने, उसके अकाउंट की जांच की गई है, और अब टेरर फंडिंग की बात भी निकल के सामने आ रही है। हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हिमांशु। हिमांशु, जिस तरह से इसके अकाउंट में इतनी ज्यादा रकम देखने को मिली है, तो क्या टेरर फंडिंग की बात भी कही जा रही है, क्योंकि उस कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसका ISI से लिंक है या फिर कई आतंकी गतिविधियों से संलिप्त तो हो सकता है, तो जो तमाम बातें निकल के सामने आ रही है, तो टेरर फंडिंग बताई जा रही है उसके अकाउंट में जो पैसे है उस अमाउंट को इसी तरह से जोड़ा जा रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि की पूछताछ में एक चीज तो सामने आया है कि उसके वो 2015 से लेकर 2017 के बीच में नेपाल से कई अकाउंट में फंडिंग किया है, जो कि अलग अलग आतंकवादी संगठन के बैंक अकाउंट थे, और ऐसे में इन लोग की बात भी होती रहती थी, इनके एक दोस्त को भी उठाया गया है सहारनपुर से, वो खुद उसका भी बयान है कि हाँ हम लोग की बात होती थी और हम लोग यहाँ से निकलने के प्लान में थे। जी, तो क्या इसकी मदद से, यानी कि इस मुख्य आरोपी की मदद से बाकी आतंकवादियों तक पहुंचने में भी मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल, इसमें ATF लगी हुई है, जांच करे, सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, और अभी काफी कुछ खुलासे होने बाकी हैं, कुछ बड़े खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि इसका साफ स्पष्ट है कि ये जाकिर नायर के साथ जो भी है उससे भी जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उसके वीडियो देखा था। अब ये भी देखना है कि किसी जाकिर नायक को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है और पूरी तरह से उसको इस चीज में रखा गया है कि वो आतंकवादियों से उसका मेल है और वो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, और ऐसे में इस बात की जांच की जा रही है कि जाकिर नायक से इसका कहीं ना कहीं कुछ लेना देना है, क्योंकि इस युवक का मुर्तुजा का ब्रेन वॉश किया गया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। तो सीधे तौर पे पूछताछ करी जा रही है और हर एक एंगल से जांच करी जा रही है, जिस तरह से आतंकी गतिविधियों से और आतंकियों से मिलने की बात भी कही जा रही है, टेरर फंडिंग की बात भी निकल के सामने आ रही है, और जिस तरह की उसकी मानसिकता और दस्तावेज मिले हैं, सभी चीजों को देखते हुए जांच करी जा रही है। रुक करते अगली खबर की तरफ। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन किया गया। वहीं लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी राजभवन की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन मौके पर पुलिस फोर्स ने उन्हें रास्ते में ही रोक कर हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को जमकर घेरा। देश में बढ़ते महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर है जिसपे लिखा है जब से भाजपा आई है देश में महंगाई आई है। इसमें आप साफ तौर पे देखें तो अगर देश में बात की जाए तो विगत 15 दिनों में 13 बार 80 पैसे की जो हर दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, और साथ ही साथ विगत 15 दिनों के अंदर में 10 रुपये ईंधन के दाम बढ़े हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कमर्शियल सिलेंडर जो है उस पर 250 रुपये
का इजाफा किया गया है। वहीं अगर देखें तो घरेलू गैस पर 50 रुपए का इजाफा किया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी यहां प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां सैकड़ों की संख्या में है। मुकेश जी आज जिस तरह से भाजपा की सरकार महंगाई बढ़ा रही है, इस तरह से 16 दिन में 12 रुपए बढ़ा दिए हैं पेट्रोल और डीजल पे, रसोई गैस पे दाम बढ़ा दिए हैं, पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इसे तत्काल वापस ले। आज कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन घेराव करने के लिए जा रहा था महंगाई के मुद्दे पे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के निर्देश पे। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगा। यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज भी किए जा रहे हैं, जो उग्र प्रदर्शनकारी हैं, जो महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से धीरे धीरे जो प्रदर्शन है वो उग्र हो रहा है और लाठियों के सहारे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोका जा रहा है। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस, अगर बात की जाए तो इस महंगाई का जो प्रदर्शन है इसमें साफ तौर पर प्रमोद तिवारी के अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन से साफ तौर पर सरकार को जो जगाने की तैयारी की जा रही है महंगाई को लेकर वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो आज देश में बढ़ते महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन का पहला दिन है जिसमें साफ तौर पर महंगाई को लेकर सरकार को जगा रही है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। बढ़ते महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, इसी क्रम में आज लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया। सर आज आप लोग यहाँ पार्टी कार्यालय से और राजभवन तक जाना था मगर आपको रोक दिया गया, क्या कहेंगे? मैं इसे अलोकतांत्रिक कदम मानता हूँ। ये अहंकार में डूबी भाजपा सरकार जब महंगाई बढ़ रही जिसमें सभी पीड़ित, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए आम आदमी पर डाका डालना, अगर इसके लिए हम राज्यपाल के पास जाएं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी इसको रोक रही है? हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए था, फिर इतना साहस था तो ये महंगाई आप तब बढ़ा लेते जब चुनाव चल रहे थे। चुनाव तक तो आपने धोखा दिया, 10 रुपये कम किया, महंगाई बढ़ा रहे हैं आप, तो ये विश्वासघात है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। अच्छा आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे महंगाई को लेकर? आज आपको रोका गया, बैरिकेटिंग की गई और लाठीचार्ज भी, उसमें क्या हुआ? देखिए लाठीचार्ज जो बर्बर हुआ है वो गलत हुआ है, हर हाल उसकी निंदा की जानी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और आगे की लड़ाई कैसी रहेगी? लोकतांत्रिक ढंग से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ाई चलती रहेगी। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये महंगाई की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। कांग्रेस को महंगाई को लेकर देशव्यापी जो प्रदर्शन चल रहा था, लखनऊ में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें अब जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है साथ ही साथ उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ मोना है, नौजवान, महिलाएं सब परेशान है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है कि आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जनता की आवाज दबाने की भाजपा कोशिश कर रही है। ये आंदोलन शुरू हुआ है पर ये खत्म नहीं हुआ है, ये हमें रोक सकते हैं पर हमें कमजोर नहीं कर पाएंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, साफ तौर पे जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, महंगाई आए दिन बढ़ रही है और अब कांग्रेस इसे जोर शोर से उठा भी रही है, इस मुद्दे को काफी उठाया जा रहा है और लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन देखने को मिला, एक पीछे स्लोगन लिखा था कि जीत का ये कैसा उपहार, महंगाई नित बढ़ाए सरकार, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी आज आंदोलन था महंगाई के खिलाफ, जिसमें आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमोद तिवारी की अगुवाई में लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से और राजभवन तक जाना चाह रहे थे। वही आपको बता दें कि इस भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पूरी वहां तैनात थी और जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने साफ तौर पर कहना था कि महंगाई को लेकर हम एक ज्ञापन देंगे, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाएंगे कि महंगाई पे लगाम लगाया जाए। मगर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के घोड़े धुन आगे ही बैरिकेटिंग करके और धीरे धीरे
प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र होते गए, जिसका पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करके उन्हें शांत करा। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके इको गार्डन की तरफ ले गए और उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया। कहीं ना कहीं देखे सिखा तो देश में अगर 15 दिनों की बात करें तो 13 बार लगभग 10 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो कमर्शियल गैस की लगभग 250 रुपए की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं अगर घरेलू गैसों की बात करें तो 50 रुपए हुआ है। वहीं अगर सीएनजी की बात करें तो 8 रुपए हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं अगर देखें तो माल की ढुआई जो कहीं ना कहीं महंगी हो गई है, जिसकी वजह से सब्जियां और जो घरेलू प्रतिदिन के उस सामान है जो उपयोग में आते हैं वो कहीं ना कहीं उसके रेटों में भी फर्क आया है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ जी बिल्कुल विभांशु, महंगाई की मार तो जनता पे पड़ ही रही है और जनता भी बेहाल है इस बढ़ती महंगाई से। जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और सरकार ने भी सख्त कदम अभी तक महंगाई के खिलाफ कोई नहीं उठाया है, तो कांग्रेस का प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? कांग्रेस के उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की अगुवाई में और राहुल गांधी की अगुवाई में हम महंगाई के खिलाफ लड़ाई को लड़ते रहेंगे और सरकार को जगा के और उन्हें इस बात को जरूर महसूस कराएंगे कि महंगाई कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और जनता इससे बहुत ही परेशान है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। रुक करते अगली खबर की तरफ। यूपी में विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही अब एमएलसी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसके लिए आगामी 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 9 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में 27 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। बता दें कि स्थानीय निकाय एमएलसी की 36 सीटें बीते महीने मार्च में खाली हुई थी, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है, जबकि 27 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। वोटिंग की तारीख 9 अप्रैल है, जिसके नतीजे 12 अप्रैल को सामने आएंगे। और इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, 27 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें से 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, 12 को नतीजे सामने आएंगे। कुछ सीटों पर बीजेपी ने पहले ही जीत दर्ज कर ली है, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बीजेपी के लिए बड़ा चुनाव है और देखा जाता है जो विधान परिषद चुनाव होता है, खासकर सत्ता दल का ही चुनाव होता है, अधिकतर सत्ता दल के प्रत्याशी ही जीतते हैं। पर साथ ही साथ इस बार चुनाव में बड़ा दिलचस्प है, 9 सीटों पर ऑलरेडी जो नामे प्रत्याशी जिनका निर्विरोध थे वो चुन जा चुके हैं, अब 27 सीटों पर चुनाव होना है। और साथ ही साथ अगर बात करें चुनाव की, तो पूर्वांचल में कई बड़ी सीटें हैं जहाँ पर प्रक्रिया फंसी है और जहाँ पर चीज़ें दिलचस्प लड़ाई हो रही है कि वहाँ पर धनंजय सिंह बृजेश सिंह जैसे बाहुबलियों के करीबी मैदान में है। और साथ ही साथ अगर बड़ा एक और दिलचस्प जो मुकाबला है वो है बानासे की और चंदौली सीट का, जहां पर बीजेपी के डॉक्टर सुरमा पटेल लड़ रहे हैं और जिनको उमेश यादव समाजवादी पार्टी से और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह से कई टक्कर मिल रही। तो निश्चित रूप से बड़ा चुनाव है और सबसे बनारसी चंदौली सीट भी बिल्कुल चर्चे में है। और दूसरी अगर सीट की बात करें जो चर्चा में है तो वो लखनऊ उन्नाव की सीट है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं सुनील सिंह, जहाँ पहले भी एमएलसी रहे हैं उनका, और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राम से पढ़ा के भी एक कड़ा मुकाबला है। तो निश्चित 2 या 3 मुकाबले ऐसे जो बड़े दिलचस्प माने जा रहे हैं, बड़ा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के लिए। जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो लगातार चुनावों का दौर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पहले विधानसभा एमएलसी और आने वाले समय में यानी 2024 में, हालांकि उसमें वक्त है लेकिन 2024 में केंद्र के चुनाव है और उसको देखते हुए भी लगातार बीजेपी तैयारियां कर रही है। लेकिन एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ चुनाव है, तो क्या चुनावों के समय महंगाई कम होगी, ये देखने वाली बात होगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।